फिल्म देवरा ने रिलीज से पहले तोड़ी कई रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में कर दिया सभी को पीछे। जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म देवरा पार्ट वन इन दिनों सुर्खियों में चल रही है। इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और ये फिल्म रिलीज से पहले ही काफ़ी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। जी हाँ, रिलीज से पहले ही इस फिल्म की अमेरिका में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई, जिसमें जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। देवरा मूवी इस साल की बिग बजट फिल्मों में से एक है। बताते चले कि ये फिल्म इसी महीने रिलीज होनी है। हालांकि रिलीज से कई दिन पहले देवरा ने नॉर्थ अमेरिका में धूम मचाते हुए प्रभास की फिल्म कल्कि को पछाड़ दिया है। जहां खबरों की माने तो जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ रुपए है। वैसे अगर देखा जाए तो एक फिल्म को हिट तभी माना जाता है जब वो फिल्म अपने बजट से दुगनी कमाई करती है। ऐसे में जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करनी पड़ेगी। हालांकि अमेरिका में देवरा की एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पांस मिलता नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पर नेटफ्लिक्स ने अच्छा खासा इन्वेस्ट भी किया है। फिल्म के राइट्स इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 155 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, जिसके बाद ये फिल्म किसी भी तेलुगु मूवी की अब तक की सबसे महंगी डील बन गई है जो कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए की गई है। इतना ही नहीं, देवरा पार्ट वन ने इस मामले में तलपति विजय की लियो और रजनीकांत की फिल्म जेलर को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इन दोनों फिल्मों के राइट्स 120 और 100 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। बताते चले कि जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर और सैफ अली खान की देवरा का ट्रेलर 10 सितंबर को ही रिलीज कर दिया गया है। वही ये फिल्म दुनिया भर में 27 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। वही जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि रिलीज से कई दिन पहले नॉर्थ अमेरिका में देवरा ने एडवांस बुकिंग के मामले में करोड़ों रुपए की कमाई करके कल्कि को भी धूल चटा दी है। वही देवरा के मेकर्स ने 10 सितंबर की सुबह को सोशल मीडिया से एक जानकारी शेयर की, साथ में लिखा कि वो हर हिस्से को अपने रेड ब्लड समुद्र में बदल रहा है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि जानवी कपूर और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग से $1 मिलियन यानी कि 8.81 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली है। ये कारनामा इसी साल 27 जून को रिलीज हुई प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन की फिल्म कल्कि 2898 AD ने भी नहीं किया था। बता दें कि अमेरिका में देवरा का प्रीमियर 26 सितंबर को होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एक्टर सैफ अली खान, जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की इस फिल्म में एक्टर एक खूंखार विलेन के रूप में नजर आएंगे। ट्रेलर सामने आने के बाद ये बात तो साफ है कि जूनियर एनटीआर की इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन होगा, क्योंकि एक्टर ट्रेलर में ज़बरदस्त एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं देवरा के जरिए जानवी कपूर साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही है। बताते चले कि सैफ अली खान, जानवी कपूर और सैफ अली खान के अलावा देवरा पार्ट वन में प्रकाश राज, श्रीकांत, शाइन टॉम चाको और नारायण भी नजर आने वाले हैं। बता दें कि देवरा पार्ट वन के बाद मेकर्स इसका सीक्वल भी बनाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि देवरा का डायरेक्शन कोतल्ला शिवा ने किया है।